साइंस एंड किचन में आपका स्वागत है। आज हम डेट का सिरप बनाना बताएंगे जो हम स्टोर करके रख सकते हैं। हमने 1 कप हमने डेट्स लिए जो हम इसके सीड्स निकाल देंगे। ये देखिए हमने सारे सीड्स निकाल लिए। अब हम इसे गर्म पानी करा, गर्म पानी में हम इसे 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। सबसे पहले तो हमने खजूरों को नॉर्मल पानी से धो के उसको सुखा लिया, फिर उसके बाद हमने उसको सीड्स निकाल के गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो दिया। निकालिए 2 घंटे के लिए। अब हम इसको मिक्सर में डाल के पीस लेंगे। इसका पानी भी हम यूज़ कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के हम पीस लेंगे। पानी भी ऐड कर देंगे पीसने के लिए। इसको पीस लेंगे, इसको छान लेंगे। देखो हमारे जार में थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सा उसमें डाल दें। देखिए हमारा जो बल्ब थोड़ा बचा है उसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करके उसको एक बार वो घुमा लेंगे। देखिए एकदम हमारा क्रीमी जैसा पिस गया। बिल्कुल भी कचरा नहीं है कि हमें मसलिन कपड़े से छानना पड़े, इसलिए हम मसलिन कपड़े से नहीं छान रहे। हमने इसको फ्लेम चालू करके रख दिया। हम इसे 5 से 7 मिनट 8 मिनट तक इसको फुल फ्लेम में उसको पकाएंगे। देखिए इसको उबाल आना शुरू हो गया। फ्लेम लो कर देते हैं। 6 से 7 मिनट हो गए, अब मैं इसको फ्लेम लो कर देते हैं। देखिए गाढ़ा पड़ने लगा, अब हम इसे 3-4 मिनट पकाएंगे। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर रहे हैं क्योंकि रखे रखे थोड़ा ठंडा होने पे और गाढ़ा पड़ेगा। देखिए हमारा डेट का सिरप तैयार है। ये स्पेशल 6 महीने के बच्चे हो जाएं उसके बाद के लिए। इस सिरप को आप बच्चों को सेरेलैक देते हैं उसके साथ दीजिए, ओट्स के साथ दीजिए, या कोई भी बच्चों को जो फूड है जिसमें अगर आप शुगर ऐड करना हो उसकी जगह आप शुगर ना ऐड करते हुए आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, डेट का सिरप डाल सकते हैं। कई बच्चों को कब्ज कॉन्स्टिपेशन रहती है उसकी शिकायत होती है, उसके लिए आप ये दीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चों को आप उनके एज के हिसाब से दीजिए, बिल्कुल आधी चमची से कम दीजिए अगर 6 महीने के बच्चे हैं, उससे बढ़े तो आप थोड़ा सा उसको ज़्यादा दीजिए।
बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, वो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और हमें बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपकी लोगों की कोई फरमाइश हो तो वो भी हमें बताएं, इंशाल्लाह हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। मिलते एक नई रेसिपी का लाभ।